रोना यह है साहब कि मैं भी अपना दिल खोल के रो दूं, क्योंकि हम सब उसी गिला से तड़प रहे हैं। हमारा रोना यह है साहब कि जिनको हमने चुन के भेजा कि साहब आप तो कर दो, अरे तुम्हारे 4.5 साल तो क्या, तुम्हारा 5वां साल अब आने वाला है और क्या किया है। एक बड़े कर्ता धरता है, अब राम माधव जी हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं साहब, हम तो छोटी हस्ती है। वो हम किसी एक कश्मीरी समुदाय का ऐसे ही हो रहा था तो उनसे मेरी भेंट हुई, तो बातचीत शुरू हुई, तो मैंने बोला देखिए साहब, राम माधव जी मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि सेना में हमारे पास एक ही मापदंड है कि भाई तुम कितने धुरंधर हो, कितने बड़े योद्धा हो। तुमको रात को बोले कि यार मुझे टाइगर हिल चाहिए, सुबह मैं एज अ कमांडर सिर्फ ये चीज बोलूंगा यार टाइगर हिल किधर है। सर मैं लेफ्ट हुक मार रहा था और 22 स्ट्रोक आनी थी, वहां से तोप, यहां से कट ऑफ ग्रुप, टू हेल विद यू, इज हैव यू डिलीवर्ड टाइगर हिल, यस नो, नो है तो गेट लॉस्ट, चूल्हे में जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे कमांडर की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी, आई एम सैकिंग यू, आई एम सेंडिंग यू होम वेर यू बिलोंग विद द लेडीज एंड द चिल्ड्रन। ठीक है, तो बात थोड़ा गर्मी गर्मी पे आ गई, क्योंकि मामला रोष का है, मामला जेनोसाइड का है। आपने उठा के एक पूरा समुदाय उखाड़ के फेंका है, जो बेचारे सर्दी बर्फ में रहने वाले, आपने उनको जम्मू की लो में सहाया है तंबुओं के नीचे, और कितने साल सड़ाओगे तुम, कितने साल सड़ाओगे तुम। और मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा, राम माधव जी आप महानुभाव हैं, बड़ी महान हस्ती हैं, मुझे सिर्फ एक आंकड़ा बताइए, आपने कितने कश्मीरी पंडित वापस भेजे, प्लीज। उस वक्त 2.5 साल ही हुए थे, आप भी थे उस पे, कि कितने कश्मीरी पंडित आपने वापस भेजे हैं। अब मेरे मुंह पे लाल रंग होते देख के कुछ दोस्तों ने पीछे खींचा, यार रहने दो, नहीं बख्शी साहब नाराज ना हुए। मैं कहा नहीं, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि कितने भेजे। मैंने कहा कि इसके पहले आप इसका जवाब अटेम्प्ट करें, मैं आपको बताता हूं 0। जो 2-3 अटेम्प्ट हुए थे वो नंदीमर्ग मैसेकर, ये मैसेकर, वो मैसेकर, काट मारे, कत्ल कर दिया वहां पे उनका। ठीक है साहब, और मैं बताऊं आपको, मैंने कहा साहब एक NIT इंस्टीट्यूशन है आपके वहां श्रीनगर में, वहां के बच्चे जब वहां पे मैच हो रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के, तो नारे लगे, तो वो जो बच्चों में बड़ा रोष आ गया कि उनको लगा कि एक राष्ट्रभक्ति की लहर फैल रही है और हम उस लहर पे उठ के यहां का निजाम बदली कर देंगे। तो वो बच्चे साहब भारत का झंडा लेके वो कैंपस के उन्होंने गेड़े मारे, जैसे पंजाबी में बोले जाता, गेड़े लगाए साहब। 2 कंपनी साहब J&K पुलिस की वहां पे आई, 9 बच्चों की हड्डियां तोड़ दी, 20 बच्चे अस्पताल में डाले, बताइए साहब मैं गलत बोल रहा हूं तो, 20 बच्चे अस्पताल में डाले और वहां सारा कैंपस साहब खाली होके जम्मू और दिल्ली में। मैंने कहा साहब ये हमारी अचीवमेंट है, बताइए प्लीज। मैं एक फौजी की तरह से आपको बता रहा हूं, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं कि जो कश्मीरी पंडित हमारे 4.5 लाख आए थे उनमें जरा ये भी 20,000 शायद जोड़ लीजिए, ये हमारी अचीवमेंट है। वो मेरे से बहुत नाराज हो गए, और मैं छोटी समझ वाला बंदा हूं, इतनी राजनीति की समझ नहीं है मुझे, तो वो कहने लगे बख्शी जी आप मुझे बताइए वो वहां पढ़ने गए थे या पॉलिटिक्स करने गए थे। तो हमने उनसे धीरे से बोला, राम माधव जी ये आपने JNU के लड़कों लौंडों को पूछा, ये आपने वो जो कहा है वो बंगाल के पास वो वहां पे अपना जादवपुर यूनिवर्सिटी में पूछा, हैदराबाद में पूछा कि ये पॉलिटिक्स करने आए हैं, ये पढ़ने आए हैं और देश का झंडा फहराना पॉलिटिक्स है तुम, यार इज इट पॉलिटिक्स, इज नॉट ब्लडी पॉलिटिक्स, ये मेरा देश है। और आप जानते हैं फेसबुक पे आपने देखी होगी वो तस्वीरें जिसमें वो झंडे, इस देश का झंडा ट्रैश कैन में डाल दिया गया था।
एक लड़का यहां से जोश में गया, वो वहां श्रीनगर में झंडा फैलाने, ऐसी मार मारी है, ऐसी मार मारी है वहां पे। और जब पाकिस्तान के और आईएसआई के झंडे फहराए जाते हैं तो हमें बोला जा रहा था ये तो बच्चे हैं साहब। जब हमारे जवानों के सर फोड़े जा रहे थे हमें कहा जा रहा था साहब ये तो बच्चे हैं साहब, यार बड़े खतरनाक बच्चे हैं यार, भटके हुए हो या लटके हुए हो, ये माफ कीजिए बड़ा खतरनाक ये है। एक देश में एक निजाम हो सकता है, 50 निजाम नहीं हो सकते। अगर सिरसा हरियाणा में, लेट मी आस्क यू डायरेक्ट, अगर सिरसा हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा वाले रॉयट करते हैं तो पुलिस को एक अच्छा टफ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता, चला गोली, नोबडी कैन टेक द लॉ इनटू हिज ओन हैंड, चलाओ गोली चलाओ, और 36 एक दिन में भारत के नागरिक मर जाते हैं, 4 घंटे के अंदर 36 नागरिक मर जाते हैं। कोई पेलेट गन नहीं चली, कोई वाटर होज नहीं चला, कोई छर्रे नहीं चले साहब, सीधा गोली चली, 36 नागरिक वहां पे गिर गए। किसी पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, किसी ह्यूमन राइट ग्रुप ने बवाल खड़ा किया, लेकिन अगले दिन साहब वहां पे पूर्ण रूपेण शांति थी, पूर्ण रूप से शांति थी, क्योंकि जो करना चाहिए था वो कर दिया गया, बेवजह किसी को सर नहीं चढ़ाया गया। देखिए साहब कश्मीर की लड़ाई हारने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यह बुनियादी लड़ाई है, क्योंकि यह बुनियादी लड़ाई है। क्यों बुनियादी लड़ाई है? आप कहते हैं सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमने डाला है ना साहब शब्द सेक्युलर। अरे साहब मैं फौज से हूं, जहां हम किसी का धर्म जात मजहब नहीं पूछते। हम तुम्हें कहते हैं कि जब तुम आज फौज के अंदर, अरे अपना जात पात अपना कास्ट अपना मजहब बाहर गेट के रख के आ जा, तू हिंदुस्तानी है बस, ठीक है साहब। पार्टीशन के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे हमारे जो 150 जो मिलियन 15 करोड़ से ज्यादा जो हमारे यहां पे मुसलमान भाई हैं, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं ठहर गए, बिकॉज जो भी कुछ रीजन हो कि शायद उनमें विश्वास था कि यहां वो रह सकते, यहां उनका कत्ल गारत नहीं होगा, इसी डर से। नहीं तो जिसका कत्ल होने वाला होता है वो रह जाता, वो रह जाता है, उसको उम्मीद थी कहीं नहीं यार, इतने गए लोग नहीं है इस देश के, वो रह गए। उनमें से कई कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र मरणोपरांत, ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र मरणोपरांत, इन लोगों ने कुर्बानी दी। आप मुझे बताइए, इफ यू लेट 5 मिलियन मुस्लिम्स ऑफ द वैली गो ओनली ऑन द बेसिस दैट दे आर मुस्लिम्स, व्हाट राइट विल यू हैव टुमारो टू हैंग ऑन टू 150 मिलियन इंडियन मुस्लिम्स लॉयल सिटीजंस, बताइए। लेकिन यहां पे बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही कहा, यहां एक तबका है, अब बिका हुआ है या क्या उसको तकलीफ है, हमारी हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे राजतंत्र में, विच इज बिल्ट अपॉन गिविंग कश्मीर, दे देना चाहता है, लड़के मर गए हमारे लड़के, अरे तुम उन लड़कों की जान वापस दे सकते हो, अरे तुम उन विधवा को उसका आदमी वापस दे सकते हो, उस अनाथ को उसका बाप वापस दे सकते हो, 10,000 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। और यहां तो साहब की कैसे दिया जाए, कैसे फैसिलिटेट किया जाए, मैं हवा में नहीं बात कर रहा, मैं जम्मू की पैदाइश हूं, आई एम इक्वली अ स्टेट सब्जेक्ट, और कोई ना मुझे बोले कि मेरे को बोलने का हक नहीं है, तुमसे ज्यादा हक है, ठीक है साहब। और मैं आपको बताता हूं, मेरी पूरी जिंदगी वहां लड़ते लड़ते गुजर गई है।